सो वेलकम टू आवर चैनल गाइस। आज हमें एक वाइट कलर की पोलो मिली है और ये एक एक्सीडेंटल कार है, तो क्लाइंट ने इसे रीपेंट करवाया है, बट देर आर लॉट ऑफ इश्यूज विच नीड टू बी डिस्कस। तो हम ये गाड़ी अब अपने स्टोर पे लेके जाएंगे एंड लेट्स डिस्कस इट विद परीक्षित, उसको भी दिखाते हैं गाड़ी में क्या क्या इश्यूज हैं। सो लेट्स गो। कहाँ से ले आया तू? ये एक्चुअली एक्सीडेंटल केस है, तो क्लाइंट ने इसे बाहर से रीपेंट कराया, तो इट्स नॉट अ गुड क्वालिटी पेंट, बट आई थिंक हम रेक्टिफाई कर पाएंगे। बहुत हेवी ऑरेंज पील है इस पे और मतलब पिन होल्स भी बहुत ज्यादा है यार, बट आई थिंक अगर हम सैंडिंग करेंगे तो वी विल बी एबल टू रेक्टिफाई इट। ये देख इधर रनडाउन भी दिखेगा देखो, एंड आई एम क्वाइट श्योर पूरी गाड़ी पे ये रनडाउन होंगे। ये जब पिन होल्स इतने ज्यादा है और ऑरेंज पील इतनी ज्यादा है तो रनडाउन भी रहेंगे। एक काम करते हैं, एक बार पहले प्रॉपर गाड़ी इंस्पेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद एक बार इसे वाटरलेस वॉश करते हैं एंड देन फिर देखते हैं कि एग्जैक्टली कहां पर क्या इशू है। कूल, ठीक है ना? तो पहले वाटरलेस वॉश से शुरू करते हैं। गणेश, इसको वाटरलेस लेना है। सबसे पहला जो स्टेप हमने गाड़ी पर किया वो है वाटरलेस वॉश का, और वाटरलेस वॉश इसलिए हमने किया क्योंकि हमारा प्लान था कि कंपाउंडिंग हो जाने के बाद इस गाड़ी को हम एक बार वापस से वॉश करने ही वाले थे। वाटरलेस वॉश का जो केमिकल है उसमें आपको एक मिक्सचर मिल जाता है वैक्स का, शैम्पू का और पानी का। तो पेंट में जो एरर्स थे वो बहुत ज़्यादा, एक तो ऑरेंज पील और सेकेंडरी पिन होल्स का था। हार्डनर और थिनर और पेंट का जो कॉम्बिनेशन है वो अगर ठीक नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम आता है। अब कस्टमर को ये पेंट जॉब पड़ा 25,000 रुपये का, ऐसे काम के हम चार्ज करते 38,000। डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। अब इस गाड़ी को फुल सैंड करके डिटेल करना पड़ा, उसका अपना ही एक कॉस्टिंग अराउंड 10,000 रुपीज़ के आसपास गया। प्लस हम ये गाड़ी अगर पेंट करते तो हम पेंट बूथ में पेंट करते, तो जो कि ये गाड़ी पेंट बूथ में पेंट नहीं हुई है। पेंट बूथ में पेंट नहीं होने के कारण एक्स्ट्रा कचरा पेंट में बैठ गया, जिसको निकालना हमारे लिए बहुत बड़ा एक हेडेक बन गया। तो अगर फुल गाड़ी को सैंड करना पड़े तो नेचुरली कॉस्टिंग बढ़ जाती है। सिरामिक वैक्स पैकेज का ऑन अ हैचबैक हम लोग 6,500 रुपये चार्ज करते हैं, बट अगर गाड़ी को सैंड करना पड़ता है लेट्स से 2,000 ग्रिट और 3,000 ग्रिट से कम्प्लीटली,
तो हमारा काम जो है वो सैंडिंग में एक तो 4 से 5 घंटे बढ़ जाता है, उसके अलावा जो कंपाउंडिंग हमें इस पे करनी है वो प्रोसेस भी हमारा करीबन 2 गुना बढ़ जाता है। जहाँ पर आधे दिन का प्रोसेस है कंपाउंडिंग करना गाड़ी को, वहाँ पर 2 दिन लग जाते हैं, क्योंकि अगर सैंडिंग हमने गाड़ी को किया है तो नेचुरली हमें सैंडिंग के स्क्रैचेस भी अच्छे तरीके से पूरे निकालने ज़रूरी है। इतना ही नहीं, क्वालिटी के मामले में हमने एक डिफरेंस और भी देखा। जहाँ पर ओरिजिनल कंपनी पेंट विद क्लियर कोट आता है, इस गाड़ी पर पेंट जो अप्लाई किया गया वो विदाउट क्लियर कोट सिंगल स्टेज पेंट था, जिसकी वजह से कॉस्टिंग में भी और डिफरेंस आ जाता है। क्लियर कोट वाला पेंट एक्सपेंसिव रहता है क्योंकि डबल स्टेज में पेंट किया जाता है, और सिंगल स्टेज पेंट कंपैरेटिवली थोड़ा सस्ता ही होता है। ऑलराइट, सो सैंडिंग का काम अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। जितनी भी ऑरेंज पील हमें पेंट पे दिखी हमने 90-95% रिड्यूस कर दी है। खाली एजेस के पास में अच्छे तरीके से सैंडिंग नहीं किया है, क्योंकि धार पर पेंट ज़्यादातर केस में कम ही होता है, तो वो रिस्क हम नहीं लेंगे। अब एक बार फाइनल चेकअप गाड़ी का हम लेने वाले हैं, और मास्किंग भी साथ में चल रहा है। जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो हम गाड़ी का कंपाउंडिंग शुरू करेंगे। यहाँ पर 2 पॉइंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो जो पेंटर पेंटिंग करता है उनको सैंडिंग का नॉलेज होता है, पर उनको प्रॉपर पेंट पॉलिशिंग का नॉलेज नहीं होता, तो वो सैंड तो गाड़ी कर देते हैं पर उसके बाद अच्छे से उस पर से स्क्रैचेस नहीं हटा पाते। और दूसरा ये कि ज़्यादातर डिटेलर्स को पेंट पॉलिशिंग का नॉलेज अच्छा होता है पर उन्हें ठीक तरीके से सैंडिंग करना नहीं आता। तो रीपेंटेड व्हीकल्स के केस में ये दोनों चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। गाड़ी को सैंडिंग करना भी ज़रूरी हो जाता है, और उसके बाद वो सैंडिंग के दाग भी ठीक से निकालना ज़रूरी होता है। तो डिटेलर ऐसा होना चाहिए जिसको दोनों फील्ड्स के बारे में अच्छे से नॉलेज हो, ताकि आपकी गाड़ी पर अच्छे से अच्छा रिजल्ट आ पाए। कंपाउंडिंग का प्रोसेस अब पूरा हो चुका है, तो चलिए अब गाड़ी को वॉशिंग बे पे लेके चलें। ऐसी रिपेंटेड गाड़ी को डिटेल करने में हालत खराब हो जाती है। We'll be right back.
अभी हमसे जितना हो सका हमने ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए हैं। गाड़ी अभी भी परफेक्ट नहीं है, एटलीस्ट मेरे हिसाब से तो परफेक्ट नहीं है, बट स्टिल इट इज़ इन अ मच मच बेटर शेप देन व्हाट इट केम इन। पेंट जॉब हम अगर करना चाहें ना तो 20,000 रुपये से लेके हम लोग इसी गाड़ी पर पेंट जॉब 80-90,000 रुपये तक भी कर सकते हैं। जैसे आप घर का पेंट कराते हैं, सैटिन फिनिश पेंट लेते हैं, डिस्टेंपर पेंट लेते हैं, अलग अलग पेंट क्वालिटीज़ आते हैं, अलग अलग पेंट के फिनिशेस आते हैं, उसी तरीके से कॉस्टिंग वेरी करती है जब हम गाड़ी का भी पेंट करते हैं। अलग ब्रांड्स इन्वॉल्व होते हैं, अलग पेंट ऑफ क्वालिटी होता है। आप ये मत सोचिए कभी भी अगर कि आपने कम बजट में पेंट करा लिया तो आपको एग्जैक्ट सेम क्वालिटी मिलने वाला है। जैसे जैसे कॉस्ट कटिंग होता जाएगा वैसे वैसे प्रोसेस भी कटता जाएगा। पेंटिंग के प्रोसेस में खाली पेंट रॉ मटेरियल का कॉस्ट नहीं होता है, देर आर लेबर कॉस्ट इन्वॉल्व, गाड़ी ओपनिंग फिटिंग के चार्जेस लगते हैं, पेंट बूथ के चार्जेस होते हैं, ये सब मिला के एक पेंटिंग का कॉस्ट निकलता है। और जहाँ भी सस्ते में पेंट किया जाता है वहाँ पर ये सब कॉस्ट धीरे धीरे रिड्यूस कर दिए जाते हैं। इस वीडियो में हमने आपको पेंटेड रिलेटेड सर्विसेज के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करी है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जब भी आप गाड़ी पर पेंट कराना चाहेंगे हमारा ये वीडियो आपके काम आएगा और आप एक बेटर डिसीजन ले पाएंगे। गाड़ी का फाइनल लुक तो हमने आपको दिखाई दिया है, तो चलिए अब कस्टमर से उनका रिव्यू लेते हैं। सो पहले तो सर थैंक यू सो मच, आप हमारे रेगुलर कस्टमर है और आपने इस बार हमें फिर से मौका दिया आपकी गाड़ी पर काम करने का। मैं आपसे दो ही सवाल पूछना चाहता हूँ, एक तो आपको सर काम कैसा लगा? काम बहुत ही प्यारा है, इट्स अ ग्रेट वर्क। सो द डे आई बॉट दिस व्हीकल टू योर स्टूडियो टू डेज बैक एंड टुडे इज लुकिंग टोटली डिफरेंट, इट्स जस्ट गिव यू अ फील ऑफ अ शोरूम व्हीकल लाइक यू हैव जस्ट गॉट द व्हीकल फ्रॉम द शोरूम। पेंट जब आपने कराया तो पेंट काफ़ी हेजी हो गया था, ऑरेंज पील काफ़ी था, वो प्रॉब्लम अभी काफ़ी हद तक सॉल्व हो चुका है। तो आई होप आपको आगे भी गाड़ी ऐसी चमकती रहे ये गाड़ी, और आगे भी आप हमारे पास ऐसे ही काम कराते रहें। दूसरा मेरा यही सवाल था कि आप क्या आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को हमारा काम रेकमेंड करेंगे? मैं जरूर उनको बोलता हूँ, लाइक आई हैव मेनी ऑफ अ फ्रेंड्स हु कम टू योर स्टूडियो, सो आई विल रिकमेंड मेनी मोर ऑफ देम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सो वी रियली होप आपको हमारे अभी तक के पोस्टेड वीडियोज अच्छे लगे हैं, इवन आज जो हमने आपको दिखाने की कोशिश करी है वो भी आपने पसंद किया हो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर आवर वीडियोज एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड थैंक यू फॉर द लव एंड सपोर्ट टू हेल्प अस रीच टू दिस स्टेज। हमसे उम्मीद करते हैं यहाँ से हम आगे ही जा सके, और आपका हेल्प और सपोर्ट हमें बहुत जरूरी पड़ेगा। सो डू नॉट फॉरगेट टू ट्यून इन टू ब्रोटोमोटिव फॉर फर्दर ऑटोमोटिव रिलेटेड कॉन्टेंट। थैंक यू।